उपदेशक दी पोथी अध्याय पहला। सब कुछ व्यर्थ है। यरूशलम दे राजा दाऊद दे पुत्तर जो एक उपदेशक सी दे एह वचन हन। व्यर्थ, हाँ व्यर्थ, हाँ सब कुछ व्यर्थ है। मनुख धरती ते बेअंत मेहनत करदा है पर उसनू की मिलदा है। एक पीढ़ी जांदी ते दूजी आउंदी है पर यह धरती सदा अटल है। सूरज चढ़दा ते डुबदा है, वह वापस जिथों चढ़दा है द्वारा चढ़न लई उथे जांदा है। हवा दखण नू जांदी है, वह उत्तर नू जांदी है, वह फेरे लाउंदी होई चक्कर ते चक्कर लाउंदी है। सब दरिया सागर विच जा पैंदे हन पर वह फिर भी नहीं भरदा। सब दरिया उसे थां उत्ते मुड़ जांदे ने जिथों वह शुरू हुंदे ने। हर काम इन्ना थकेवे नाल भरपूर है उसका शब्दां विच बयान करना कठिन है। अखां इन्ना देखदियां हन पर उन्हां नूं फिर भी संतोख नहीं मिलता। कन इन्ना सुनदे हन पर उन्हां नूं फिर भी चैन नहीं मिलता। जो पहला वापरिया है वह फिर वापरेगा, जो पहला कीता गया है वह फिर कीता जाएगा। इस संसार विच कुछ भी तो नवा नहीं है। वह कहिंदे ने देखो यह नवा है, पर नहीं, यह तो वह है जो सदियां पहला सी। प्राचीन काल दियां चीज़ां नूं कोई वर्तमान विच याद नहीं करता, ना ही हुण होण वालियां चीज़ां नूं अगे आउण वाले लोग याद करनगे। उपदेशक दा अनुभव। मैं उपदेशक इजराइल दा राजा यरूशलम शहर विच रहिंदा सां। मैं यह पक्का इरादा कीता सी कि मैं अपनी बुद्ध दी वरतों करके इस संसार विच होण वाली हर गल दी पूरी खोज करके उसका अध्ययन करांगा। सचमुच परमेश्वर ने मनुख उत्ते मेहनत दा एक बड़ा भार रख्या है। मैं संसार विच हर चीज़ नू देखिया अते मेरा निचोड़ यह है कि यह सब कुछ व्यर्थ अते यह सब हवा दे फक्कण वांग है। असल गल तां यह है जो विंगा वह सीधा नहीं किया जा सकता, जो नहीं है उसकी गिणती नहीं हो सकती। मैं अपने आप नूं कहा मैं यरूशलम विच पहला राज करन वालियां सब राजां तो अधिक बुद्धिमान हाँ। मैं बुद्ध ते ज्ञान दियां सब गल्लां जाणदा हाँ। मैं बुद्ध ते मूर्खता दा भेद समझण दी कोशिश कीती पर मेरी यह कोशिश भी हवा नूं फड़न वांग व्यर्थ रही। सो अधिक बुद्धिमान होण दा अर्थ है अधिक चिंतावां विच घिरना, अते अधिक जानकारी दा अर्थ है अधिक दुख विच फसणा।